दोस्तों भारत टीम को मिल गया ऑलराउंडरों का बाप, भूल जाओगे पांड्या पोलार्ड के भी छक्के। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और हम किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं भारत टीम के फैन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और दुनिया के बेस्ट ऑफ वन ऑलराउंडर केरन पोलार्ड हैं। उनसे तगड़ा खिलाड़ी अब टीम इंडिया में आ चुका है, जो कि टीम इंडिया को बहुत ही बढ़िया है। टीम इंडिया को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दे सकता है और जिस तरह से इनको छक्के लगाने की एबिलिटी है वो उनको एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाती है। वहीं दोस्तों बात करें हार्दिक पांड्या की, तो कुछ दिनों से हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे और ऐसे में भारतीय टीम हार्दिक पांड्या के बैकअप को खोज रही है। और ऐसे में दोस्तों एक नया नाम सामने आया है जो उनका पूर्ण रूप से बैकअप हो सकता है। दरअसल दोस्तों बात कर रहे हैं अब्दुल समद की, जो इनकी सिक्स एबिलिटी है की बात करें तो दोस्तों यह एक बेहतरीन खिलाड़ी है। भुवनेश्वर और जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी इन्हें छक्के लगाए। दोस्तों जम्मू कश्मीर का यह खिलाड़ी एकाक आईपीएल एसआरएच में चुना जाता है और यह एसआरएच तरफ से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं। दरअसल दोस्तों 146 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने अब तक आईपीएल में 222 रन बनाए थे, जो इनको बेहतरीन खिलाड़ी बनाता है। साथ ही साथ दोस्तों बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग एबिलिटी भी इनकी बहुत बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों यह जिस तरीके से छक्के लगाते हैं इसको देखकर एसआरएच ने इनको रिटेन तक कर लिया था। दरअसल दोस्तों अब्दुल समद की इस बेहतरीन हिटिंग पावर को देखकर बड़े बड़े क्रिकेटर एक्सपर्ट बहुत ज्यादा हैरान रहते हैं। अब ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात यह होगी क्या ये टीम इंडिया के लिए खेल पाते हैं या नहीं, क्योंकि अब्दुल समद जैसे खिलाड़ियों को टीम इंडिया को जरूरत है। हार्दिक पांड्या के ना होने से काफी सारे खिलाड़ी टीम इंडिया में बैकअप नहीं तोड़ पाए। तो दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या अब्दुल समद को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के